रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, जो लोग रेफ्रिजरेटर्स लेने जा रहे हैं और जो ले चुके हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, आइंदे के लिए लेंगे इंशाल्लाह ताला, एक छोटी सी टिप्स मैं आपको बताऊं कि देखें, दो किस्म के रेफ्रिजरेटर्स आपको मिलते हैं, एक में हैंडल होते हैं, एक में हैंडल नहीं होते, ठीक है ना। अभी मैंने आपको दिखाया वो हैंडल था उस पर, और इस पर हैंडल नहीं है। ये डॉलेंस के दो रेफ्रिजरेटर्स हैं, इसको हम बुनियाद बना के, मिसाल बना के हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों इन्वर्टर वाले हैं, एक में बिल्कुल सेम है अंदर से, आप देखें ये भी देखिए, मैं आपको अंदर वो खोल के दिखा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ्रंट के जो दरवाजे हैं ना, इसमें एक पे हैंडल लगा हुआ है और एक पर आपका हैंडल नहीं लगा हुआ है, देख लिया आपने, कोई फ़र्क नहीं है सामने के दरवाज़ों के अलावा। तो इसमें हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना है, यानी कि अगर हमें हैंडल वाला रेफ्रिजरेटर पसंद है, तो मैं बताऊँ आपको कि ये जो रेफ्रिजरेटर है हैंडल वाला, ये कभी भी टूट सकता है। देखिए, मैं अभी से इसको नए को हिला रहा हूँ, तो ये लगा हुआ तो बड़ा मजबूत है, ये इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, ये क्वालिटी अच्छी बनाई है, लेकिन कभी भी फ्यूचर में जाके ये टूट सकता है। और जब हम खासतौर पर फ्रिज बंद करते हैं ना, और दोबारा खोलना पड़ जाए अगर, तो बगैर इसमें लिखा हुआ देखें, दरवाज़ा बंद करते ही फ़ौरन खोलने की ज़रूरत पेश आने पर, दरवाज़ा ना खोले तो बराए करम थोड़ा एक दो मिनट इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये एयर लॉक होने की वजह से होता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि मेरे यहाँ खुद ही हैंडल वाला रेफ्रिजरेटर है, तो जैसे ही उनको ज़रूरत पेश आती है दोबारा फ़ौरन इमीडिएटली, तो वो खींचते हैं उसको, खींचते हैं तो वो लूज़ पड़ जाता है, ठीक है ना, क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ये देखें इसमें क्या दिया हुआ है, साइड में इन्होंने आपको ग्रिप दे दी है, फ्लश कर दिया इन्होंने अंदर ना, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है खोलना, और ये पायदार है, लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि जब हैंडल आपके कभी टूट जाएंगे ना, कितना खूबसूरत रेफ्रिजरेटर हो आपका, आपने अच्छा रखा उसे, वो फिर आपको मिल तो जाते हैं आसानी से, लेकिन वो बात नहीं आती, ठीक है ना, सामने कभी कवर निकल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये टिप आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको शेयर कर दूसरे को बताइए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके।